हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल धनोशन ट्री। माय सेल्फ जितेंद्र मिश्रा, एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से हमारे चैनल धनोशन ट्री में। ठीक है, अभी हम आज आपको एक प्रैक्टिकल सम सिखाने जा रहे हैं, इसका डेप्रिसिएशन से। वो भी आपको पहला आज एक मेथड सिखा दे रहे हैं दोस्त, फिर देखेंगे आपको दूसरा मेथड भी सिखा देंगे कैसे करते हैं उसको सम को। ठीक है, तो पहले देखते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे कैसे सम को सॉल्व किया जाता है अगर आपको एग्जाम में सम आ रहा है तो। ठीक है, तो पहले आपको सम लिख के बताऊंगा कि कैसे क्या सम रहेगा, कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे उसका कैलकुलेशन होगा, देन वी विल ड्रॉ द जर्नल एंट्री एज वेल एज द लेजर एंट्री। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला सम। सपोज कीजिए कि अगर एक कंपनी है या एक पर्सन है जिसने क्या किया, एक मशीन खरीदा हो, मशीन खरीदा उन्होंने, फिर उसके बाद उन्होंने उसके बाद दूसरा मशीन खरीदा, उसके बीच में एक मशीन को बेच भी दिया। ठीक है, तो वो सारी चीजें अपने को जानना है। देखिए, जैसे मैं लिखता हूं कि मिस्टर त्रिलोक परचेस मशीनरी ₹2 lakhs एज ऑन 1/4/2017। ठीक है, ये मशीन खरीदा 2 लाख की, कितना, 1/4/2017 को, एंड ही परचेस्ड अनदर मशीन एज ऑन 1/7/2017। ठीक है, फॉर ₹80,000। ठीक है, इतना समझा क्वेश्चन। अब इसके बाद क्या करते हैं, ही सोल्ड द फर्स्ट मशीन purchased on 1/4/2017 at rupees 1,50,000। ठीक है, 1,50,000, and on same date he purchased another machine for ₹1 lakh। ठीक है, यानी उन्होंने क्या किया, ही सोल्ड द फर्स्ट मशीन परचेस ऑन 4/2017 at ₹1,50,000। यहां पे एक वर्ड ऐड करना, एज ऑन। ठीक है, एज ऑन 1/4/2018। ठीक है, इसको या तो 1/4/2018 अपने को हम लोग कर लेते, ठीक है, चलो 1/4/2018 को खरीदा उसने। ठीक है, एज ऑन 1/4/2018 सेम डेट। ठीक है, यानी ऑन सेम डेट ही परचेज द अनदर मशीन फॉर ₹1 lakh। ठीक है, यानी अब आपको यहाँ पे दिखाना है कि कितनी मशीन उनके पास, पहले आपको तो ये कैलकुलेट करना है कि टाइप कितनी मशीन होगी उनके पास। देखिए, कितना मशीन उन्होंने खरीदा, मिस्टर त्रिलोक परचेस मशीनरी 2 लैक्स, तो इन्होंने पहली मशीन ये हो गई उनकी, एज ऑन 1/4/2017 को खरीदा, एंड ही परचेस अनदर मशीन ऑन दिस, यानी एक मशीन उन्होंने और खरीदी तो 2 मशीन हो गई। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, ही सोल्ड द फर्स्ट मशीन मीन्स वॉट, जो मशीन 1/4/2017 को खरीदी है उसको उन्होंने क्या कर दिया, बेच दिया 1.5 लाख रुपए में। ठीक है, कभी बेच दिया उन्होंने 1/4/2017 को खरीदा, बेचा कभी 1/4/2018 को बेच दिया, राइट, ऑन सेम डेट, और उसी दिन क्या करता है, ही परचेस अनदर मशीन फॉर ₹1 lakh। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। ठीक है,
ऑन SLM मेथड, ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो आई बस होंगे, आई थिंक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि त्रिलोक ने क्या कर दिया, एक मशीन कर दिया कितना, 2 लाख रुपए का, ठीक है, कभी कर दिया 1/4/2017 को। अब मुझे इसकी वर्किंग बनानी दोस्त, देखिए कैसे वर्किंग बनाएंगे। और मैंने कर दिया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रिपेयर दी मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, 3 साल तक का उन्होंने बोल दिया कि आपको क्या करना है, मशीनरी और डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले हमको इसके लिए क्या करना होगा कि पहली प्रक्रिया क्या होगी, यानी पहले आपको देखना होगा कितनी मशीन खरीदी है और मशीन को कभी बेचा गया, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, इसका वर्किंग नोट ड्रॉ करना पड़ेगा। जैसे ही आपका वर्किंग नोट ड्रॉ हो गया, समझ जाइए कि 99% आपका सम हो गया, और फिर उसी के ऊपर आपको लेजर मार देना और सम खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अभी आपको हम ये चीज फिर से सिखाते हैं, देखिए कैसे होगा। अभी सपोज करो मेरे को वर्किंग नोट ड्रॉ करना है, तो सम आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा दोस्त फटाफट लिख लीजिए, ताकि मैं इसको रफ करूंगा तो आपको दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी क्या होगा इस चीज में, या नीचे का क्वेश्चन थोड़ा रफ कर रहा हूं दोस्त, ये थोड़ी सी जगह की शॉर्टेज है बोर्ड पे, ठीक है। तो पहले इसका वर्किंग करते हैं, वर्किंग नोट, ताकि आपको समझे ये चीज। देखो अगर मैं यहाँ पे वर्किंग बनाता दोस्त, कितनी मशीन हो गई हमारे पास, 3 मशीन हो गई, क्योंकि उसने एक मशीन यहाँ खरीदी, तो टोटल हमारे पास कितनी, ऑन सेम डे ही परचेस अनदर मशीन, सो आई गॉट द 3 मशीन, दैट मींस 3 कॉलम मुझे बनाना पड़ेगा, राइट। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बना दिया डेप्रिसिएशन कॉलम, ठीक है, यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, डेप्रिसिएशन कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे लिख दिया मैंने मशीन नंबर 3, ठीक है, ये मशीन मेरा कभी खरीदा है दोस्त, कभी 1/4/2018 को, 1/4/2018 को खरीदा। अब मेरी दूसरी मशीन कभी खरीदी गई थी, 1/7/2017 को, तो यहाँ लिख दिया 1/7/2017 को, ये मेरी सेकेंड मशीनरी है, ठीक है, ये मेरी क्या है, सेकेंड मशीन है। और जो मेरी पहली मशीन खरीदी गई थी, वो कभी खरीदी गई, 1/4/2017 को, ये मेरी पहली मशीन थी, ठीक है। ऐसे हम लोग ने क्या कर दिया, कॉलम बना कर रख ली, दिस इज माई वर्किंग नोट, ठीक है। तो यानी पहली मशीन कभी खरीदी हम लोग ने, ये मेरी पहली मशीन हो गई, ये मेरी दूसरी मशीन हो गई, और ये मेरी क्या हो गई, तीसरी मशीन हो गई दोस्त, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज होता है, बराबर। अब मैंने यहाँ क्या लिख दिया, इसका कॉस्ट, क्या लिख दिया इसका मैंने, कॉस्ट। तो कॉस्ट कितना जा रहा है इसके अंदर, देखो पहले मशीन की कीमत कितनी है मेरी, 2 लाख है, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 लाख। दूसरे मशीन की कॉस्ट कितनी है मेरी, 80,000, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 80,000। तीसरा मशीन कितने का मेरा, 1 लाख का, राइट। ये मेरे हो गए 3 मशीन, ठीक है। इनका डेप्रिसिएशन रेट कितना हो रहा, 10%, जो भी रेट बोले, रेट से कोई नहीं है, पर यहाँ पे समय क्या हो रहा है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, राइट। अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं, लेस डेप्रिसिएशन लिखते, ठीक है, लेस डेप्रिसिएशन कभी चलेगा, 1/4/2017 से चलेगा, 31/3/2018 तक का, कब से चलेगा, 1/4/2017 से 31/3/2018, यानी 1 साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पे देना है आप, राइट। अब देखिए क्या करते हैं, इसके अंदर 1/4 से चला, ठीक है, तो अपने कितना होगा इसका, 10% डेप्रिसिएशन, 20,000 रुपए, बस ये 0 कट कर दीजिए दोस्त, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। कितना हो गया, 20,000 रुपए आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा फर्स्ट ईयर का। अब ये मशीन कब खरीदा मैंने, 1/7 को खरीदा, यानी जुलाई में खरीदा मैंने, जुलाई 2017 में खरीदा, और मार्च 2018 मेरा एंडिंग है, तो जुलाई हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी ये मेरा फुल ईयर यूज किया, ये मैंने कितना यूज किया, सिर्फ 9 महीना, कहां से, जुलाई टू मार्च मेरा यूज है, बराबर है। अब देखते हैं दोस्त इसका 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा, 8,000 होगा, तो 8,000 तो मेरा पूरे साल का है, मतलब 12 महीने का है, तो 9 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होगा, ठीक है। अगर मैंने देखो 1 साल 12 महीने का कितना हो गया मेरा, 8,000 हो गया, तो मेरा 9 महीने का कितना होगा वो निकालना मुझे, ठीक है, बहुत सिंपल है दोस्त। देखो पहले इसका 6 महीने का कितना होगा, 4,000, तो 3 महीने का कितना होगा, 2,000, यानी कुल मिला के क्या होगा, 6 3 9 महीने का
6000 डिप्रेशिएशन हो गया है ना, बहुत सिंपल, बहुत इजी है इसको डेप्रिसिएशन लेने के लिए, राइट। तो मैंने कितने दे दिए, 6000 रुपए इसका डेप्रिसिएशन लग गया 9 महीने का। आई बात समझ में, कितना हो गया ये 9 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया, क्लियर। क्या इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, नहीं भाई, क्योंकि ये 31 मार्च 2018 को ईयर एंड हो जाएगा, राइट। चलिए कितना आ गया यहाँ पे, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, यानी हमारा एक साल का टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे तैयार हो गया, राइट। एक साल का क्या हो गया, मेरा टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे तैयार हो गया, कितना 6 और 20 से 26000 रुपया आ गया, इतना समझ में आया। अब इसको एज इट इज करिए, पार कर दीजिए 1 लाख रुपया, ये कितना आ जाएगा मेरा 74000, ये कितना आ गया मेरा 180000, यानी यहां तक तो मेरा हो गया। अब इसको देखिए, कभी अब इस साल का हमारे कभी रहेगा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे इसको ही बोलते हैं WDV, रिटेन डाउन वैल्यू, यानी ये डेप्रिसिएशन माइनस करके जो भी वैल्यू बचता है उसको क्या होते हैं, रिटेन डाउन वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे क्या, फिर से सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन। अब देखिए, ये मशीन को हम लोगों ने कभी बेचा है 1/4/2018 को बेचा, राइट। ये हमारा कभी चल रहा है 1/4/2018 ही चल रहा है, 18 टू कितना आएगा मेरा 31/3/2019 जाएगा, सीधी सी बात है वो। अब क्या किया हमने, परचेस ऑन 1/4/17 को जो खरीदा है, यानी इसको बोला, देखिए परचेस ऑन 1/4/2017 इसको खरीदा है, उसको ही 1.5 लाख का बेचा, कभी 1/4/18 को बेच दिया, राइट। देख रहे, यही सी डेट को इसको उठा के क्या कर रहा हूँ, बेच दे रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा डेट चेंज कर दूं तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा सबको। अगर मैंने यहाँ पे 2007 कर दिया, राइट, 1/7/2018 कर देते हैं इसको, 1/7/2018 यहाँ पे देते हैं 1/7/2018, तो आपको और अच्छे समझेगा। देखिए अब क्या होगा, ये हमने कभी लिया 1/4/2018 से है, राइट, और हमको 31/12/2019 ईयर इंड है, और 1/7 को मैं बेच दे रहा हूँ, यानी मैंने कितना महीना यूज किया, अप्रैल मई जून 3 महीना यूज किया। अब देखिए, जब 12 महीने का कितना डेप्रिसिएशन हुआ था 10%, क्योंकि हम लोग कौन सा मेथड ऑफर रहे हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफर है, आएगा समझ में, कौन सा मेथड ले रहे हैं हम लोग, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड मैंने क्या कहा था कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है, हर साल कांस्टेंट होता है, आएगा समझ में, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी यहाँ पे 20000 डेप्रिसिएशन हुआ, राइट। अब 20000 का क्या होगा, यहाँ पे 20000 होगा, लेकिन ये यूज कितना दिन हुआ, यूज कितना दिन हुआ, सिर्फ अप्रैल मई जून, क्योंकि जुलाई में आपने जाके उसको बेच दिया, राइट। तो हमारे पास ये हो जाएगा 3 महीने का डेप्रिसिएशन, साल भर का कितना, 12 महीने का 20000, तो 6 महीने का कितना 10000, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा, सीधा 10 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 5000, यहाँ पे कितना आ गया मेरा 5000 रुपया डेप्रिसिएशन हो गया, क्लियर हो लॉजिक, समझाइए। देखो 12 महीने का कितना 20000, तो 6 महीने का कितना 10000, तो 5 महीने का कितना, सॉरी 3 महीने का कितना 5000। अब इसमें क्या होगा, ये मैंने पूरे साल यूज किया है, तो इसमें पूरा मेरा इसका 10% लगेगा, तो 8000 रुपए यहाँ पे डेप्रिसिएशन हो गया। अब देखिए, ये कभी खरीद, ये मेरा क्या हो गया 2007 से है, यानी अब ये 1/7/2018 से मैं यूज कर रहा हूं, यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसको मैंने क्या किया 9 महीना ऑपरा। देखिए ये कितने महीने का डेप्रिसिएशन हो मेरा, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, ये कितना है ना 3 मंथ्स का हो गया, ये मैंने 9 महीना ऊपर लिया। अब अगर हम कहते 1 महीने मतलब 1 साल का कितना डेप्रिसिएशन होएगा मेरा, 1 लाख का 10% कितना होगा, सिर्फ 10000, तो मेरा 1 साल का 10000 हो गया, बराबर है। तो मेरा 6 महीने का कितना, देखो सेम ऐसे निकालने का इसको, ठीक है, देखो कितना हो जाएगा ये मेरा, अगर मैंने 12 महीने का बोला कितना, 12 महीने का कितना हो जाएगा 10% है ना, 1 0 कट कर दो, तो 10000 रुपया हो गया ये, बराबर है। तो 6 महीने का कितना होगा दोस्त, ये मेरा 5000 हो गया, तो 3 महीने का कितना होगा 2500 हो जाएगा, यानी हमको 9 महीने का चाहिए, तो 6 3 9 महीना हो गया, और डेप्रिसिएशन कितना हो गया 5 2 7500, यहाँ पे आ गया 7500, और ये कितना हो गया 9 महीने का डेप्रिसिएशन लिया, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सॉल्व हो रहा है, राइट, समझ में आ गया चीज आपको, ओके। अब इसको माइनस कर लीजिए, 180 में से 5 का कितना बचेगा 175, बराबर, यहां कितना बचेगा 1408 का 6, और ये भी 6000, इतना हो गया। अब 1 लाख में से 7000 का कितना बचेगा 93, तो
तो उसमें 500 का 92,500 ये हो गया। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डब्ल्यू डी वी, ये हो गया आपको सेकेंड ईयर का। अब आपको 1,4,2,000 अब यहां पे सोल्ड करना है, ठीक है, इसको क्या करना है आपने सोल्ड कर देना है, राइट। किसको, इस मशीन को सोल्ड किया, कितने रुपए में सोल्ड किया मैंने, 1.5 लाख रुपए में, ठीक है। तो यहां लिख दिया 1,50,000 में सोल्ड कर दिया मैंने, राइट। अब ये सोल्ड हो गया, अब देखिए यहां पे तो इनको कुछ नहीं किया, ये डैश आ जाएंगे, राइट। क्या हो गया ये मेरा मशीन क्या हो गया, सोल्ड हो गया, राइट। तो यहां पे कुछ भी नहीं आएगा। अब मेरा ये 66 एज इट इज आ जाएगा, ये कितना मेरा 92,500 एज इट इज आ गया। अब इसको 175 माइनस कितना हो जाएगा मेरा 150, यानी 25,000 का क्या हो गया आपको, ये लॉस हो गया। इसको क्या लेंगे, लॉस ऑन सेल, क्या हो गया ये लॉस ऑन सेल हो गया, ठीक है। अब ये चीज मेरा क्या हो गया, यहां पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। देखो ये यहां पे हटा देता हूं मैं, एक सेकंड, हाँ देखो अब ये 66,000 आ गया मेरा ये, और ये कितना 92,500, क्लियर है ये। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको डायरेक्टली यहां से अब यहां पे थर्ड ईयर का लग जाएगा, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन, ठीक है दोस्त। अब थर्ड ईयर का सिर्फ पूरे साल का लगेगा, यहां पे 8,000 लग जाएगा, और यहां पे कितना लगेगा, 10,000 रुपए डेप्रिसिएशन हो जाएगा, क्योंकि 10% वाला, यानी थर्ड ईयर में कितना मेरा होगा, 18,000 टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, अभी कितना हो गया, 8, 5, 13, 13, 7, 20, 2,020,500, ठीक है, और ये 18,000 देख लीजिए, अभी सब आपका तैयार हो गया। अब बस आपको क्या करना है, इसको लेजर में फीड करना है, ठीक है। इसको क्या करना अपने अपने को लेजर में फीड करना पड़ेगा। देखिए फिर से देख लीजिए, त्रिलोक परचेस मशीनरी कितना, 2 लाख का, कभी खरीदा 1,417, ये मशीन यहाँ पे लिख दिया। फिर उन्होंने क्या अनदर मशीन खरीदा, वो कभी खरीदा 1,720, यहाँ लिख दिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, वापस से एक मशीन को बेच दिया, जो पहली मशीन थी उसको, जो 1,417 को खरीदा उसको बेच दिया, 1,718 को बेच दिया, राइट, कितने, 1.5 लाख रुपए बेच दिया उन्होंने। अब उसी दिन क्या करते हुए, एक नया मशीन लेके आते हैं, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, बराबर। तो ये पूरे साल भर यूज किया, तो इसका 10 महीने का डेप्रिसिएशन, ये जुलाई से लिया, जुलाई टू मार्च कितना हो गया, जुलाई हो गया अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यहां पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन लग गया। सिंपली आपको क्या बताया मैंने कि 10 महीने का कितना होगा, 1,0 कट का, साल भर का कितना होगा, 10%, 8,000 हो गया, 1 साल का 8,000 हो गया, तो 6 महीने का कितना हो गया, 4,000, तो 3 महीने का 2,000, बस उसको ऐड करके 9 महीने का डेप्रिसिएशन लिख दिया, इसको माइनस कर लिया। फिर नेक्स्ट ईयर हमारा चलेगा, तो नेक्स्ट ईयर ये वाली मशीन कितना यूज हुई, क्योंकि ये हम क्या करते हैं 1,417 को जैसे सोल्ड करते, यानी 3 महीना यूज किया, कौन कौन सा, अप्रैल मई जून, 3 महीना यूज किया। अब 20,000 क्या है, पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन है, राइट, 20,000 क्या है, पूरे 12 महीने का डेप्रिसिएशन, तो 3 महीने का कितना, यानी 6 महीने का, पहले 12 महीने का 20,000, तो 6 महीने का 10,000, तो 3 महीने का कितना, 5,000 हो गया। और ये डायरेक्टली आपको स्टार्ट ईयर पूरा आ जाएगा, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड पे कर रहे हैं, यानी जो आपको ओरिजिनल कॉस्ट होगा उसी पे आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, इट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। अब क्या होगा, ये आपका जो रहेगा ये एडिटिज आ गया, तो इसको हमने कितना महीना यूज किया, जुलाई से यूज किया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी 9 महीना इसको यूज किया, 9 महीने का डेप्रिसिएशन। अब जैसे इसको माइनस कर लिया, फिर क्या हुआ, हमने देखा कि भाई ये कभी बेच दिया उसने, उन्होंने बेचा कभी इसको, 1,4,2,018 को सोल्ड, सॉरी 1,7,2,018 को सोल्ड हो गया, राइट, सोल्ड कर दिया उन्होंने, 1,75,000 की मशीन कितने बेच दिया, 1.5 लाख पे, यानी कितना लॉस हो गया उनको, सीधा सीधा 25,000 का लॉस हो गया, राइट, कितना लॉस हो गया, 25,000 का लॉस हुआ। जब थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन लेंगे तो इसमें फिर से वही 8,000 आ जाएगा, और इसका क्या होगा, 1 लाख रुपए का 10% कितना होगा, 10,000 रुपया, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना होगा, 8,000 प्लस 10,000, यानी 18,000 थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन आएगा। दिस इज कॉल्ड अ वर्किंग मोड। आई बात समझे, आप भी ट्राई करना, ऐसे ही बहुत सारे सब ट्राई कीजिए, जिसका वर्किंग, एक बार आपको वर्किंग आ गया दोस्त, तो आपको अपने आप लेजर मारने आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसका लेजर मार के देखना आपको, चलिए इसका लेजर मार देते आपके लिए, आज मैं आपको मशीन अकाउंट सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको इतना अच्छे समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है सब पूरा अच्छे से, चलिए देखते हैं इसको। और अगर आपको वर्किंग पहले बनाना सीख लो दोस्त, क्योंकि वर्किंग मोड का मार्क्स मिलता है, ठीक है।
अगर आपको वर्किंग नहीं भी जमेगा तो बताइएगा, तो मैं आपको डायरेक्ट भी सिखाऊं, लेकिन डायरेक्ट में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट होगा, बट अगर आपने वर्किंग बना लिया तो आई थिंक सम आपके लिए बहुत बहुत ईजी हो जाएगा वो। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वर्किंग कोई बहुत बड़ी टफ चीज है, काफी इजी वर्किंग नोट है, जैसे से आप मशीन गिन लिया उसे से लिखते हो और आप आराम से क्या कर सकते हो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चल देखते हैं। अगर मशीनरी अकाउंट बनाना हो तो मैंने यहां लिख दिया मशीनरी अकाउंट, ठीक है, मशीनरी अकाउंट, अब ये लिख दिया मैंने इनको, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, एक साल का मैं मारूंगा, दो साल का देखो इसको आप अपने आप मारना सीख जाओगे। ये मेरा होता है एलएफ कॉलम होता है दोस्त, यहाँ पे मेरा होता है पर्टिकुलर कॉलम होएगा, फिर यहाँ पे मेरा क्या आएगा डेट, यहाँ पे मेरा क्या आएगा अमाउंट, फिर यहाँ पे मेरा क्या होगा पर्टिकुलर, अपना एलएफ कॉलम आ जाएगा राइट। अब यहाँ पे फिर मेरा पर्टिकुलर हो गया और ये मेरा डेट कॉलम हो गया, ठीक है, ये मेरे कॉलम बन गए पूरे। कैसे बनाना है इसको ऐसा, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया पर्टिकुलर, पर्टिकुलर ये क्या लिख दिया डेविड, ये क्या, और सॉरी ये डेट हो जाएगा, सॉरी ये डेट हो गया, यहां लिख दिया मैंने पर्टिकुलर, ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग क्या जे एफ लिखते हैं, क्या लिखते इसको जे एफ, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग अमाउंट और रुपीस, ठीक है, फिर से यहां पे डेट, यहां भी क्या लिखेंगे पर्टिकुलर, ठीक है, यहां भी लिखेंगे जे एफ और रुपीस और अमाउंट लिख दो, ठीक है। देखिए विदाउट वर्किंग मोड भी हम इसको क्या कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट वर्किंग नोट कैसे ड्रॉ करेंगे देखते हैं। देखो इसको त्रिलोक ने क्या खरीदा, मशीन खरीदा, तो मशीन क्या होगा हमारे पास आएगा, तो जाएगा क्या हमारे पास से पैसा जाएगा। मशीन कौन से अकाउंट में है, रियल अकाउंट रूल है, पैसा कौन सा अकाउंट है, वो भी रियल अकाउंट है। जब पैसा आया और सॉरी मशीन आया मेरे पास और पैसा चला गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, मशीन आया ना तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाता है, यानी मशीन के डेबिट में डालना है आपको क्या टू बैंक, क्या लिखना है मशीन के डेबिट में क्या लिखना है टू बैंक। कभी खरीदा हम लोग ने 1/4/2017, ठीक है, 1/4/2017 को खरीदा हम लोग ने, ठीक है, टू बैंक, क्या लिखे इसको टू बैंक अकाउंट, बराबर कितना आ गया मेरा 2,00,000 रुपया। अब इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन कितना आया था वहां पे हमारा, देखो ये हमारा इस साल का कर दिया, वापस से इसी साल कौन सा कर दिया, वापस 1,00,000 को कर दिया मैंने 1/7/2017 को फिर से खरीदा एक मशीन, बराबर है, यहां फिर से लिखे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितने का खरीदा मैंने ये 80,000 का, क्लियर हो गया। अब यहां पे हम लोग क्या डाल रहे हैं 31/3/2017 का डेप्रिसिएशन डाले, यानी ईयर इन पे डेप्रिसिएशन आ जाए, कितना आएगा डेप्रिसिएशन, देखो इसका तो 20,000 हुआ था और इसका कितना हुआ था मेरा 6,000, तो टोटल कितना होगा 26,000, में लिखेंगे बाई, क्या लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन राइट, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट 26,000, बराबर। अब इसको आप टोटल कर दीजिए, बस ये हो गया 2,80,000, यहां भी लिखना है आपको, ठीक है, 2,80,000, क्या हो गया यहाँ पे 2,80,000, ठीक है, अब कितना हो गया यहाँ पे 2,80,000 हो गया आपको, कितने हो गए 2,80,000 हो गए, ठीक है। अब इसका डिफरेंस ले लेंगे, आप देखो 80,000 में से 20,000 का कितना हो गया 60,000, 6,000 का 54,000, यानी 2,54,000 आपको बच जाएगा, कितना 2,54,000, क्या क्या लिखेंगे 31/3/2017 बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे इसको बाई बैलेंस सीडी, बाई बैलेंस क्या हो गया ये सीडी हो जाएगा। अब ये इस चीज को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड 1/4/2018 को यहाँ क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना 2,54,000, ठीक है 2,54,000। अब इसको 1/7/2018 को खरीदा, ये भी ये डाल देंगे 1/7/2018, यहाँ क्या लिखे खरीदा ना टू बैंक, क्या हो गया टू बैंक अकाउंट, कितना रुपए का खरीदा 1,00,000 रुपए का, बराबर। अब यहां लिखेंगे कभी 31/3/2018 को, पहले तो हम लोग ने क्या किया इसको
बेच दिया, कभी बेचा 17 2000, देखो इसको कभी बेचा 17 2018 को बेच दिया, तो इसका डेप्रिसिएशन आपको अलग लिखना पड़ेगा बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। इसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ 3 महीने में 5000 हो गया था, ये हो गया मेरा 5000। फिर हम लोग ने क्या किया, इसको बेच दिया तो क्या आ गया 17 2018 को बाई बैंक, बैंक में पैसे आ गए क्योंकि हम लोग उसको क्या कर दिए, बेच दिए। कितना पैसा है मेरे 1,75,000, लॉस हो गया हमको 17 2018 बाई प्रॉफिट एंड लॉस, या लॉस ऑन सेल लिख दो इसको, क्या लिखे इसको, लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल, ठीक है। कितना लॉस हुआ मेरे को 25,000 रुपए का, बाकी जो ये दो असेट बच जाए उसका डेप्रिसिएशन फिर 31/3/2018 को क्या होगा बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बाय जो डेप्रिसिएशन बचेगा उसका वो वहां पे लिख देंगे, बैलेंस डेप्रिसिएशन बचेगा कितना बचेगा, अभी 1,00,000 का हम लोगों ने 7,500 रुपए निकाला था और 15,000, कितना बचेगा ये 15,500, ठीक है। ये मेरा उसका जो आएगा बाई बैलेंस 31/3/2018 बाई बैलेंस सीडी, या जो बैलेंस बच जाएगा वो लिख देंगे, ऐसे ही आपको नेक्स्ट ईयर का भी करना होगा, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर होगा कि हाउ टू प्रिपेयर दिस, ठीक है। देखो पहले क्या मशीन जो खरीदा टू बैंक, बराबर है, फिर दूसरी मशीन खरीदा उसको उसी साल खरीदा, इसलिए टू बैंक अकाउंट हो गया। अब जो इसका डेप्रिसिएशन लिया 1 साल का, तो दोनों मशीन को लिया मैंने, इसका डेप्रिसिएशन 26,000 हो गए, बाकी जो मतलब बैलेंस सीडी हो गया मेरा, राइट। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्लोज कर दिया, ये जो बैलेंस होगा अभी यहाँ कैरी फॉरवर्ड हो गया, और इसी साल 17/2018 को उसने नया मशीन खरीद लिया, बराबर है, नया मशीन खरीदा। अब क्या होगा, और उसी साल 17/2018 को जो जूनी मशीन थी 2,00,000 वाली उसको उसने क्या कर दिया, बेच दिया। बेच दिया तो क्या होगा, वो 3 महीने का डेप्रिसिएशन 5,000 हो गया, कितने का बेचा, बैंक में पैसा आ गया 1,75,000, और ठीक है सॉरी 1,50,000 में बेचा, सॉरी कितने का बेचा, 1,50,000 रुपए में बेचा था, कितना आ गया यहाँ पे 1,50,000 रुपया बेचा, कितना उसने 1,50,000 रुपए में, राइट। देखो 1,50,000 में बेच दिया, वो आ गया, बाकी जो कितना हो गया मेरे को 25,000 रुपए का लॉस हो गया, सीधी सी बात हो गई। अब बाकी जो बचे हुए दो थे मेरे, किसके 1,00,000 का और 80,000 का, फिर से डेप्रिसिएशन 8,000 हो जाएगा, 8 और इसका कितना होगा 7,500, 15,500। अब इसको क्लोज करोगे जो बैलेंस यहाँ पे आएगा वो फिर से थर्ड ईयर के लिए लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉड, फिर थर्ड ईयर का बाय डेप्रिसिएशन डाल के जो बैलेंसिंग भी करेगा, क्लोज हो गया मतलब यही समय आपका, ठीक है। तो इसके आगे हम आपको जब अगला वीडियो बनाएंगे दोस्तों आपको बताएंगे कि कैसे जनरेटरी लगती है, और कृपया प्लीज कमेंट किया करो दोस्त, कमेंट करके आप मुझे बताइए कि सर ये चीज ऐसा रहा, अगर आपको फिर भी नहीं समझा अभी अगले वीडियो में हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, अगला मेथड दिखाएंगे, ये तो रहा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड में कैसे बनाते हैं, अभी हम आपको सिखाएंगे बाद में कि डेप्रिसिएशन कैसे बनता है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि आपको कहीं भी क्लास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको नोशन ट्री पे रहना, और नोशन ट्री आपको सब सिखा देगा कि आखिर क्या चीज होता है अकाउंट, और एक दिन मेरा चैलेंज है कि अकाउंट मैं आपको इजी करके दूंगा, जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आपको सिखाते रहेंगे, कैसे नहीं आएगा दोस्त, क्योंकि आप जैसा कोई महान हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखते रहिए आगे के लिए द नोशन ट्री, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।